हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश अपडेट्स। मैं हूं सोम और आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वो लाल बटन आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे क्लिक कीजिए और साइड में जो घंटी है वो प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन भेज सकूँ आपके मोबाइल फोन या फिर आपके डेस्कटॉप। हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ एक्साइटिंग सा न्यूज लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो दोस्तों Xiaomi की तरफ से है। Xiaomi ने अभी बहुत ज्यादा फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया था। आप लोगों को तो पता ही है, Redmi जो 3S था वो बहुत ही पॉपुलर हैंडसेट है, अभी सबके हाथ में मैं वही देखता हूँ जब भी बाहर जाता हूँ। तो उसके बाद जो आया वो है Redmi Note 4। Redmi Note की जो ब्लैक एडिशन है वो भी बहुत चल रही है मार्केट में, और अभी लेटेस्ट जो है वो लॉन्च किया था Redmi 4A, जो कि अभी सब सोच रहे हैं कि अगर कुछ बजट फोन ले तो उससे बेहतर कोई फोन मार्केट में है ही नहीं। तो दोस्तों अभी जो लीक सामने आई है वो है Xiaomi Mi 6 की, जो की फीचर करेगी 128GB की इंटरनल मेमोरी, 6GB की रैम और ये आएगा स्नैपड्रैगन 835 की प्रोसेसर के साथ। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये और बहुत सारे डिटेल्स है जो जिसकी लिस्ट सामने आ गई है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। और इस वीडियो में चाहता हूं कि 50 लाइक्स तो आ जाए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। Xiaomi ने पहले ही बात किया था इस साल के स्टार्टिंग में कि वो Mi 6 या Mi 6 प्लस लॉन्च करेंगे, जो कि एक रूमर था। तो अभी ये ऑफिशियल होने वाला है, जो कि बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो ये बहुत ही ट्रस्टेड जो सोर्सेस है जहां से ये लीक्ड आई है, ये फुल स्पेसिफिकेशन की चार्ट जो है वो सामने आ गई है Mi 6 और Mi 6 प्लस की। तो दोनों के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूं। तो यहां पे पहले बात करते हैं मॉडल नंबर जो है वो है Xiaomi Mi 6 की, जिसके कलर की बात अभी तक सामने नहीं आई है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे यूज होगा वो है एंड्रॉइड 6.0 और MIUI 8 बेस्ड होगा। एंड्रॉइड 6.0 सच में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में आपको GSM मिलेगा, LTE सपोर्ट है, LTE FDD भी सपोर्ट यहाँ पर है, बैंड वो सब छोड़िए यहाँ पे कैरियर भी अनलॉक्ड है, जो आप किसी भी सिम डाल सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन साइज जो है 5.15 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो की फुल HD स्क्रीन होगी, और जिसकी रिजोल्यूशन आपको 1080p की रिजोल्यूशन मिलेगी। और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे CPU जो यूज किया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 की प्रोसेसर यूज की गई है, और इसकी जो क्लॉक स्पीड है 2.45 GHz की क्लॉक स्पीड है, और यहाँ पे क्वाड कोर की प्रोसेसर है, और यहाँ पे GPU जो यूज किया गया है वो लेटेस्ट जो Adreno 540 है उसकी GPU यूज किया गया। ये जो मॉडल नंबर है Xiaomi Mi 6, यहाँ पे आपको जो रैम है ये दो वर्षन में आएगा, एक है 4GB और एक 6GB, जो की LPDDR4 रैम है। और रोम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 32GB की रोम, 64GB की रोम और 128GB की रोम के साथ ये आता है, और यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी यूज किया गया वो है UFS 2.0। और यहाँ पे रियर कैमरा की बात करें तो 19 मेगापिक्सल की कैमरा यहाँ पर यूज की गई है सोनी IMX400 की, और 1/2.3 इंच की लेंस भी यूज की गई है यहाँ पर। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर एक नया अल्ट्रा पिक्सल यूज किया गया है, जो कि 8 मेगापिक्सल की है। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे एम्बेडेड बैटरी आपको मिलेगी, जो कि लिथियम वो बैटरी है, जो कि 3200mAh की है। और यहाँ पे सिम कार्ड की बात करें तो यहाँ पे डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट्स दी गई है, और डायमेंशन की बात कुछ सामने नहीं आई है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं Mi 6 प्लस की ओर। तो Mi 6 की कलर जो है वो उसके बारे में कुछ नहीं आया। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर यूज किया गया है 7.0 OS, जो कि बेस्ड है MIUI के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क जो है, नेटवर्क आपको तो पता ही है LTE सपोर्ट है, WCDMA GSM वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बैंड की बात करें तो यहाँ पे बैंड जो है ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, कैरियर जो है वो अनलॉक्ड है, जो भी सिम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्क्रीन साइज की बात करें तो 5.7 इंच की डिसेंट स्क्रीन क्वालिटी है इसकी, जो साइज है ये परफेक्ट होता है 5.7 इंच, 6 इंच ज्यादा बड़ा होता है, 5 इंच छोटा हो जाता है 5.5, और 5.7 ठीक ठाक होता है। और फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है आपको, जो कि 1080p की है। और यहाँ पे CPU की बात करें तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 की प्रोसेसर यूज की गई है, 2.45 GHz की क्लॉक स्पीड है, और क्वाड कोर यहाँ पे यूज किया गया है। और GPU की बात करें तो Adreno 540 है, सेम प्रोसेसर है दोनों में। रैम की बात करें तो Mi 6 प्लस में आपको एक ही मॉडल आएगा, जो कि 6GB की रैम यूज करेगी। ये सबसे ज्यादा अच्छा फ्लैगशिप फोन होने वाला है, जो कि डायरेक्टली टक्कर देगा सैमसंग की जो S8 मॉडल है उसको। तो दोस्तों यहाँ पे रियर कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पे 12 मेगापिक्सल की रियर कैमरा यूज की गई है, जो सोनी IMX362 है, और ये डुअल कैमरा है यहाँ पर। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा पिक्सल फ्रंट कैमरा यूज किया गया है। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे एम्बेडेड रिचार्जेबल 4500mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज किया गया है। तो दोस्तों 4500mAh की बैटरी, ये बहुत ही अच्छा फोन होगा अगर ये इंडियन मार्केट
मार्केट में आ जाए, ये दूसरे जितने भी कंपनी से उन लोग को टक्कर देने के लिए बिल्कुल ही सही बोन है। तो दोस्तों सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ जाएगा, अगर ये प्राइस रेंज अच्छा रख दे इंडियन मार्केट में तो Xiaomi सबसे टॉप पोजीशन में रह पाएगा। तो दोस्तों अभी तक कोई खबर नहीं आया है कि कब तक ये लॉन्च होगा और इसका प्राइस कितना है। जो मुझे मिला था ये छोटा सा न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। को कुछ अगर कहना है मुझे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जरूर से नीचे वो लाल बटन प्रेस कर दीजिए और साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जब भी मैं कुछ अपडेट करूँ तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू दोस्तों फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। सी या। बाय बाय।